नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से लेकर आप पहुंचे हैं डॉक्टर मिश्रा जी के यहाँ पर। और आप सभी जानते हैं डॉक्टर मिश्रा जी के द्वारा जो है शुगर का मुफ्त इलाज कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दवाइयाँ इंग्लिश दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं, वो इनकी जो आयुर्वेदिक दवाई है वो कमाल कर देती है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, यहाँ पर आने वाले ये जितने लोग हैं, जितनी भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं, इन लोगों का दावा है। और हम लोग हमेशा कहते हैं, क्या आप इंग्लिश दवाइयों से परेशान हो गए हैं? अगर हाँ, तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि भाई दुख के समय जो हमारे साथ खड़ा हो जाए वही हमारा अपना। तो यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और डॉक्टर मिश्रा जी आज जो है घर घर मशहूर हो चुके हैं, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि करके दिखाया है। और ऐसा आज आप लोग जो है, मैं जितने भी इंटरव्यूज आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आप उनकी आंखों में देखिएगा, आपको एक सच्चाई और एक वो नजर आएगा कि भाई वो कितना परेशान होने के बाद आखिरी उम्मीद लेकर आए थे और वो उम्मीद इनकी यहाँ पर आकर पूरी हुई। तो चलिए मिलवाती हूँ डॉक्टर मिश्रा जी से भी, लेकिन उससे पहले मिलते हैं यहाँ पर आए हुए ये जितने लोग हैं उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, क्या उनको सच में असर हो रहा है या सिर्फ ये एक दावा है। लखनऊ से आया। आप लखनऊ से आए हैं? हाँ जी। कितनी बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आया? 26 मार्च को आया। 26 मार्च को आए थे? हाँ, 26 मार्च की दवाई ले रहा हूँ। ठीक है। और अब आज आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया, आराम। सही, आराम है। हाँ, खूब आराम। मतलब लखनऊ से दिल्ली तक आपको कोई डॉक्टर नहीं मिले बीच में? डॉक्टर तो बहुत मिले लेकिन फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? तो शुगर के इलाज के लिए आप आए हैं? ओके। तो कितना फर्क आपको पड़ा है अभी तक? 100% आराम है। 100% आराम है? 100%। क्या बात है। अब आप देख सकते हैं, लखनऊ से दिल्ली आए हैं स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ शुगर का इलाज कराने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं लखनऊ से दिल्ली तक कितने डॉक्टर बीच में आए होंगे, लेकिन सर बहुत दूर से आए हो आप ना। मतलब कैसे पता चला आपको मिश्रा जी के बारे में? यूट्यूब के में देखा। ओके। तो पहले कैसे लगा था, यकीन हो गया था या सोचा था कि चलो यहाँ भी ट्राई कर लेता? ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ। अच्छा। एक बार जो लगेगा लगेगा, 1000-2000 खर्चा। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को फर्क पड़ गया, एक बार ले गया था। अच्छा। काफी फर्क, बीच बीच में आता रहता हूँ। ओके ओके। सर आप कहाँ से हैं? मैं अभी भरतपुर से हूँ। भरतपुर से? भरतपुर कहाँ पर जाता है? राजस्थान। राजस्थान। ओके। तो कैसे, मतलब किस चीज के इलाज के लिए आ रहे हैं? शुगर के लिए आ रहा हूं। शुगर के लिए? तो राजस्थान से, मेरी वही वाली बात होगी, राजस्थान से दिल्ली तक कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ दिल्ली में? नहीं मैम, एक्चुअल में मैंने और भी ट्रीटमेंट काफी जगह लिया था, आराम नहीं पड़ा था। फिर अच्छा? मैंने यूट्यूब पे इनका चैनल देखा था। तो मैं फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम मैंने दवाई ली, उससे मुझे काफी रिलैक्स मिला था। ठीक है। काफी मतलब प्रोग्रेस दिखी थी मुझे। ओके। उसके बाद में मैं कंटिन्यू से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अब काफी रिलैक्स है, मतलब शुगर में काफी अच्छा, काफी आराम है। आराम तो कुछ लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा। एक तो इनके यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो साइड इफेक्ट नहीं होता। एलोपैथिक जो होता है वो साइड इफेक्ट करते हैं और आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जड़ से मतलब खत्म होने के चांस पूरे होते हैं। जड़ से खत्म हो जाते हैं, मतलब आपको पूरा विश्वास है? बिल्कुल, पूरा विश्वास है आयुर्वेदिक पे और इनके ट्रीटमेंट में मुझे पूरा विश्वास, पूरा विश्वास है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं साकेत से हूँ, नेवसराय से। ओके। मेरी पसली में दर्द होता, मेरे घुटनों में था। ठीक है। कमर में था, मुझसे काफी फर्क है। काफी फर्क है? क्या बात है। जी जी जी। उससे भी मेरे को थोड़ा आराम। तो पहले आपने डॉक्टर्स को दिखाया है? मैं बहुत डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मगर इतना आराम नहीं आया जितना यहाँ से मुझे मिला है। ओके। दूसरी बार आई हूँ, इसीलिए आई हूँ उससे कि मुझे फर्क है। बिल्कुल, मतलब साकेत से यहाँ पर आकर और अपना इलाज करवाना, मतलब ये देखिए, अब आप सोच सकते हैं यहाँ लोगों का विश्वास बन गया है और वो विश्वास तभी बना है जब उन्होंने वो विश्वास बनाया है। शरीर में दर्द रहता था। राइट राइट। में दर्द था। राइट। एक हफ्ते से मैंने दवाई खाई है, मुझे बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट है, देख लो भाई, यहाँ पर हम नहीं बता रहे, वो खुद बता रहे अपने दिल के फीलिंग्स है। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैम मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं? तो आप किस चीज के लिए यहाँ पर, क्या इलाज? शुगर है, बीपी है। शुगर एंड बीपी का? ओके। तो फर्स्ट टाइम है या रेगुलर? मैं आज फोर्थ टाइम आई हूँ। ठीक है। मेरे को फर्क है, मतलब पहले मेरी जो शुगर थी वो बिफोर मतलब मील 240-250 तक रहती थी। ठीक है। अब मेरी खाने के बाद इतनी है। अच्छा। मतलब इससे भी कम आ जाती है, 200 तक आ जाती है।
ओके काफी फर्क, काफी फर्क है। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ YouTube में झूठे झूठे दावे किए जा रहे थे। नहीं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे और मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, तो उससे मुझे भी लगा कि भी एक बार ट्राई करना चाहिए। चलिए फाइनली मुझे मतलब यहाँ पे आने के बाद में ना, जैसे वो कहते हैं बालाजी की कृपा है बहुत, तो मुझे उसका असर भी दिखता है इस पे। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो कुछ तो है, कुछ तो है, जादू है। हाँ जादू है जो हो जाता है, जैसे वो इतने विश्वास से देते हैं कि हाँ जी फ्री में दवाई दे रहे हैं और विश्वास से दे रहे हैं, तो दिखता है असर तो दिखता है उसमें। Right. और मेरे को तो दिखा भी है, अपने में ही दिखा है। जी 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 हाँ, काफी दिखा है मुझे। राइट Right. तो जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर का यहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे मतलब कि शुगर की फ्री दवाई होती है जी, और जी। अगर हमें इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है तो उसकी थोड़ी पेमेंट होती है वैसे। हाँ मतलब देखो हाँ वैसे शुगर की। राइट मैम, मैम आप कहाँ से हैं? तीस हजारी कोट से। ओके तो आपको कैसा मतलब यहाँ पर किस इलाज के लिए आप आए थे? मैडम मेरे को अस्थमा था। अच्छा हाँ है अभी। अच्छा ठीक मतलब है, अभी सेकंड बार आई हूँ, फर्क है पहले से। ओके यहाँ से पहले भी इलाज करवाया है आपने? नहीं। अच्छा पहले इलाज नहीं करवाया नहीं। अभी कितना फर्क नजर आ रहा है? अभी है फर्क है थोड़ा बहुत अभी। ओके सेकंड बार एक हफ्ते की दवाई ली थी जी, दोबारा आए हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आप ठीक हो जाओगे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ठीक है, और तो कोई बीमारी नहीं, नहीं है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आपका शुगर के अलावा और भी इलाज आपके करवाए जाते हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपके पास हम लोग पहुँच चुके हैं। मैंने ना हमेशा जब भी मैं आती हूँ तो इधर बड़ी पॉजिटिव वाइब मुझे देखने को मिलती है। मतलब ऐसा क्या रीजन है कि आप इतना आसानी से इलाज कर पा रहे हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं, क्या वो है? पहली बात तो गुरु की कृपा है जी हमारे ऊपर जी, और इन्हीं की वजह से हम ये दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ जी, और जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो खुद बनाते हैं जी, हमारी खुद की फार्मेसी है। तो जो भी दवाइयाँ हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, ये पहला क्लिनिक ऐसा है या पहला आयुर्वेद आचार्य ऐसे हम जो खुद अपनी फार्मेसी है और कोई भी दवाई बाहर नहीं बेचते, अपने पेशेंटों को देते हैं। बिल्कुल हाँ, ये बात फैक्ट है, जो भी फार्मुलेशन है जो भी फार्मुलेशन है वो हमारी अपनी है, तो हमें पता है किस मेडिसिन में क्या है, तभी वो मेडिसिन काम कर पा रही है। बिल्कुल। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि लोग है ना इंग्लिश दवाइयाँ ले रहे हैं शुगर ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहे हैं, और आपकी दवाई लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, क्या जादू है ऐसा? दरअसल क्या है, जब भी वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं ना, तो एलोपैथी डॉक्टर्स की मैं कमी कहूँ या क्या कहूँ, वो न्यूट्रिशन की तरफ जाने देते जी, कि जो उनकी फूड हैबिट्स है ना वो निकालते हैं। ठीक है आपने टैबलेट ले ली, अब जाओ खाओ पियो, तो वो कहता है मैं तो टैबलेट ला रहा हूँ, तो छोले भटूरे भी खा रहा है, ब्रेड भी खा रहा है, कुलचे भी खा रहा है, पिज्जा भी खा रहा है, बर्गर भी खा रहा है, तो ये जो चीज खा रहा है ना, वो कहते हैं मैं दवा ले तो रहा हूँ ना शुगर की, बात खत्म होगी, लेकिन इसी कारण से उसको शुगर हुई थी। राइट राइट, तो उन्होंने अपना जो गलत रास्ता था वो नहीं बदला, उनकी जो बैड हैबिट्स थी बदली नहीं, तो वो कहते हैं मैं शुगर की दवाई दोबारा खा रहा हूँ, तीन बार खा रहा हूँ, चार बार खा रहा हूँ, तो फिर भी शुगर ठीक नहीं हो रही जी। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक टैबलेट और बना देते हैं, दूसरी टैबलेट बना देते हैं, एंड में क्या होता है, चलो जी अब तो इंसुलिन चालू कर दो, उसके बाद भी वो हैबिट नहीं सुधरी है, नहीं सुधरी है, तो कह रहे मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, दो साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, फिर भी शुगर नहीं ठीक हुई है जी, फिर एंड में जाकर उनकी किडनी फेल होना, फिर बहुत सारी बीमारियां, फिर तो जो है मतलब जो है ना बीमारी शुगर एक है फिर 70 बीमारियां आ जाती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट राइट, तो इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हो लेकिन फिर भी शुगर ठीक नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनकी डाइट हैबिट नहीं सुधर रही, नहीं सुधर रही है। तो आपके पास जो आते हैं वो डाइट को भी फॉलो करते हैं और प्रॉपर दवाइयां तो खैर काम करती हैं। बिल्कुल, ये गुरुदेव की जड़ी बूटी दे रहे हैं हम जी, तो मैं तो ये लोगों को कहता हूँ कि साहब ये डाइट का चार्ट में पूरा लिख के दे रहा हूँ आपको, इसको फॉलो करना है तभी आप ठीक हो पाओगे। जड़ी बूटी भगवान ने ऐसी दे रखी है हमको, जो दुनिया ठीक हो रही है, आप देखो एंट्रू लीजिए। बिल्कुल, वो मैंने बाहर देखा और लोगों के और उनकी आंखों में जो है उनकी आंखों में हम लोगों को जो है ये नजर आता है कि हाँ, भाई क्या हाँ, है और वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है कहीं ना कहीं, ये है तो इसलिए ठीक हो रहे हैं। और
क्योंकि ये हम चार पीढ़ी से लगे हुए हैं तो आयुर्वेद का ज्ञान है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे फोर फादर्स भी आयुर्वेद से थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया, नाड़ी का ज्ञान दिया, जो दवाइयों का ज्ञान दिया, वो दवाई चल रही है। बिल्कुल, तो आप शुगर के अलावा और भी ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, शुगर के लिए ओबेसिटी का है, और जिनको बांझपन है उनका भी है, इनफर्टिलिटी का भी है, और मेंस प्रॉब्लम्स होती है, व्हाइट पैचेस हो जाती है, गुर्दे की पथरी हो जाती है, इस टाइप के आजकल सर्वाइकल की बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रिपल साइड्स भर रहे लोगों के, क्योंकि खान पान रिच फूड हो गया है, तेलीय चीज खाते हैं, वसा युक्त ज्यादा चीज खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आज 10 में से 7 लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसलिए हार्ट की तरफ जा रहे हो, राइट कार्डियो की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं जी जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है जी, दवाइयाँ खा रहे रोज की रोज, फिर वही बात आ गई आप वाली, मैं उनकी डाइट सुधारता हूँ, तो बाहर का सामान तो तेल की चीज तो ना खाओ जी, तभी ठीक हो पाओगे। आपका बादाम का दूध बड़ा फेमस हो गया। हाँ, बादाम का दूध तो बस इतनी ही चीज, अगर ये बादाम का दूध कोई लेता है जी तो शायद कोई बीमारी ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा, तो मैं उसमें ये कहता हूँ आप जाइए देखिए उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट को फॉलो कीजिए, अगर वो डाइट फॉलो करते हो ना किसी को शुगर होगा ना बीपी होगा ना हार्ट प्रॉब्लम होगी। अब तकरीबन जो मेरे संपर्क में आ जाते हैं तो उनकी शुगर की दवा छूट गई है, बीपी की दवा छूट गई है, हार्ट की दवा छूट गई है। आज मैंने काफी इंटरव्यूज लिए, लोगों ने कहा हमारा तो जड़ से खत्म हो जाएगा, मैं इतना विश्वास है, मतलब लखनऊ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब मैंने एक से तो क्वेश्चन भी आज पूछा कि लखनऊ से दिल्ली तक कोई डॉक्टर नहीं मिले आपको, तो वो कहते नहीं मैं गया बहुत जगह लेकिन फाइनली मैं यहाँ आकर रुक गया, तो ये बहुत बड़ा विश्वास। अच्छा सर, कोई यहाँ पर आता है तो लोकेशन क्या रहता है आपका? ये भादौड़ इलाका है और NCR दिल्ली के बगल में ही बिल्कुल जी, और यहाँ मैं सोमवार से शनिवार तक बैठता हूँ, और यही हमारी एक ऐसी ब्रांच पीरागढ़ी दिल्ली में है, वहाँ मैं केवल संडे को मिलता हूँ, बाकी दिन दूसरे डॉक्टर मिलते हैं। राइट, हाँ, तो ये बिल्कुल NCR दिल्ली में ही समझो, भादौड़ इलाका पड़ता है जी, फिर भी आप कहीं भी गूगल पे भी डालोगे डॉक्टर मिश्रा जी तो भी लोकेशन पूरी आ जाती है। बाकी हमने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सर हम लोकेशन आपका डाल ही देते हैं। बिल्कुल डाल जी। तो सर जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि आज 10 में से 7 लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को ओबेसिटी है, तो ये है कि उनकी फूड हैबिट्स बहुत खराब हो रही है। राइट, इस वजह से लोगों को शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहता हूँ कि आप अपने भोजन में कम से कम 60% फल फ्रूट जूस सूप सलाद का प्रयोग कीजिएगा। बिल्कुल, 40% ही आपको भोजन लेना, वो भी क्वालिटी है घर का। राइट, 40% का नहीं, छोले भटूरे खा रहे हो जी, पिज्जा खा रहे हो जी, बर्गर खा रहे हो जी। आज हमारे युवा, मेरे पास आज युवा 22 साल का 23 साल का 25 साल का लड़का आ रहा है जिसको शुगर हो रही है। ओह माय गॉड, उसका पिता लेके आ रहा है, उल्टा काम हो रहा है। पहले लड़का पिता को लेके जाता था जो उनको शुगर हो रही है, बीपी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाप लड़के को लेके आ रहा है। ये जो काम हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारी हैबिट्स खराब हो गई है, जगह जगह फास्ट फूड चाइनीज फूड खुल गए हैं, उस वजह से हमारे बच्चों को खाने का पता नहीं है, नहीं पता तो है। मैं ये कहूँगा आप अपनी हैबिट सुधारिए, और मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, उस पर जाइए आप प्लीज, वो एक एजुकेशन का प्रोग्राम है, आपको हम सिखाएंगे क्या खाना है क्या नहीं पीना है। राइट, तो वो जो चीज़ें आप करोगे तो आप जो स्वस्थ रहेंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा देश बीपी से शुगर से हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। आप प्लीज ये डाइट का सुधार कीजिए और बिल्कुल ठीक होंगे आप। बिल्कुल, और मैंने सुना है कि इंग्लिश दवाई के बजाय आयुर्वेदिक दवाई, हम कोई साइड इफेक्ट इनका होता ही नहीं है, तो भगवान का प्रसाद है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे से एकदम, मतलब कहते हैं ना जड़ से इलाज किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है कि हर चीज का यहाँ पे जड़ से इलाज किया जाता है। सो अगर आप भी डॉक्टर मिश्रा जी के चैनल पर जाते हैं, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अपना दैनिक दिनचर्या, आपको खान पान कैसा रखना चाहिए वो सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है आप ये जो चीजें खा रहे हैं ये आपके लिए जहर ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप सर के चैनल को भी फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है आप यहाँ पर आइए। सर 7 डेज ओपन रहता है, 7 डेज ओपन रहता है, संडे की छुट्टी होती है जी यहाँ पे भादौड़ पे जी जी, और शुक्रवार को मैं नहीं मिलता हूँ, बाकी दवाई मिल जाए, बाकी नंबर दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आना है क्योंकि टॉपर नंबर बनता है, उसके बाद ही दवा मिलती है, उसके बाद दवा मिलती है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।